सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ हम पहले फर्स्ट टर्म में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय मैंने आपको इसके आधे ही पर्यायवाची शब्द कराए थे। अभी मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी के बचे हुए जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको सेकेंड टर्म में करने हैं। पर्यायवाची शब्द सबसे पहले क्या होते हैं? वो ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ बताते हैं। ये भी भाषा की सुंदरता को बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार होता है कि एक ही शब्द को हम बार बार प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो सुंदरता नहीं लगती, वो भाषा सही नहीं लगती। उसकी जगह अगर हम उसका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द प्रयोग करते हैं तो भाषा में एक अच्छा उठाव आ जाता है और उसकी सुंदरता प्रकट होती है। अब कुछ सेंटेंस वाक्य में आपको पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, हिमालय ऊंचा पर्वत है या हिमालय ऊंचा पहाड़ है। अब पर्वत और पहाड़ दोनों एक ही अर्थ बताते हैं, इसीलिए ये पर्यायवाची शब्द है। अब दूसरा देखिए, वृक्ष को मत काटो, पेड़ को मत काटो। वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो गया? पेड़। तो दोनों का मतलब एक ही है। इन वाक्यों में पर्वत और पहाड़ शब्दों से एक ही अर्थ प्रकट होता है। वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखने से उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार पर्वत और पहाड़ तथा वृक्ष और पेड़ शब्दों के अर्थ समान है। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। एक ही अर्थ प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर बनती है। अतः भाषा अध्ययन में पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान जरूरी है। इसमें आपको जो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं उसमें मैंने आपको ईश्वर से लेके बाघ तक के तो फर्स्ट टर्म में करा दिए थे। अब सेकंड टर्म में आपको करने हैं आसमान से लेके रात तक। आसमान, आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन, आकाश। सुबह, सुबह के पर्यायवाची शब्द हैं सवेरा, प्रातः, भोर। घर, घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, सदन, भवन। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं रवि, भानु, दिनकर। आदमी, आदमी के पर्यायवाची शब्द हैं मनुष्य, नर, पुरुष, मानव। आँख, आँख के पर्यायवाची शब्द हैं नेत्र, चक्षु, नयन। संग्राम, संग्राम के पर्यायवाची हैं युद्ध, लड़ाई, रण। शरीर, शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं तन, देह, काया। पेड़, पेड़ के पर्यायवाची हैं वृक्ष, तरु, पादप, विटप, ऐसे। संसार, संसार के पर्यायवाची शब्द हैं दुनिया, जगत, विश्व। गुरु, गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। पुस्तक, पुस्तक के पर्यायवाची हैं पोथी, किताब, ग्रंथ। नेक्स्ट है बंदर, बंदर के हैं वानर, कपि, मरकट। इसके बाद है रात, रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, निशा, रजनी। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताए हैं, यही आपको कॉपी में भी करने हैं। अब इसके जो अभ्यास दिए हुए हैं वो आप फर्स्ट टर्म में तो कर ही चुके हो, लेकिन आपको सेकंड टर्म में भी इसको रिवाइज करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है उसके ऊपर गलत का निशान लगाइए। आपको इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं, तो जो शब्द अलग है उस पर आपको अंडरलाइन करनी है या क्रॉस का निशान लगाना है। हवा, पवन, आंधी, समीर।
अब हवा के सारे पर्यायवाची है, हवा, पवन, समीर, आंधी अलग है तो आंधी रॉन्ग, बाग, जंगल, बगीचा, उपवन, तो बाग के पर्यायवाची है बगीचा, उपवन, जंगल अलग हो गया तो जंगल पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है आंख, नेत्र, नयन, चश्मा। आंख, नेत्र, नयन आंख के पर्यायवाची शब्द हैं और चश्मा अलग। पुस्तक, किताब, चित्रकथा, ग्रंथ। पुस्तक के पर्यायवाची शब्द है किताब और ग्रंथ और चित्रकथा अलग। चित्रकथा क्या होती है? जिसमें चित्र बनाकर, चित्र से कहानी बताई जाए। नेक्स्ट है मोर, पक्षी, पंछी, खग। इसमें पक्षी के पर्यायवाची पंछी और खग है, मोर अलग हो गया। चांद, चंद्रमा, शशि, चांदनी। चांद के पर्यायवाची हैं चंद्रमा और शशि, चांदनी अलग है। पूत, बेटी, पुत्री, लड़की। अब ये बेटी के पर्यायवाची हैं पुत्री और लड़की, पूत अलग हो गया तो इस पर आपको क्रॉस का निशान लगा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उपयुक्त समानार्थी शब्द के नीचे रेखा खींचिए। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो गया? सूरज। मेरा मित्र बहुत होशियार है, होशियार का पर्यायवाची अकलमंद। मेरे माता पिता को मुझ पर विश्वास है, विश्वास का पर्यायवाची भरोसा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, अवसर का पर्यायवाची मौका। मेरी आयु 9 साल है, आयु का पर्यायवाची उम्र। 10 साल बाद भी हमारे गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया है, परिवर्तन का पर्यायवाची बदलाव। सीमा की बात सुनकर मैं तुरंत घर से निकल पड़ा, तुरंत का पर्यायवाची फौरन। मेरा घर पाठशाला के समीप ही है, समीप का पर्यायवाची निकट। यहाँ खाना खाने में जरा भी संकोच न करना, संकोच का पर्यायवाची हिचकिचाहट। अध्यापक ने कपिल की बहुत प्रशंसा की, प्रशंसा का पर्यायवाची तारीफ। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको कुछ वाक्य दिए, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान है और आगे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए, उसका पर्यायवाची आपको फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों में भरना है। सबका भला करता है, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? भगवान। बादल छाए हैं, आसमान का पर्यायवाची नभ। होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, सुबह का पर्यायवाची सवेरा। में कई लोग घायल हुए, लड़ाई, लड़ाई का पर्यायवाची युद्ध। मेरे सारे ब्लैंक खालिस्तान में दर्द हो रहा है, तन का पर्यायवाची शरीर। हमारे सबसे उपयोगी मित्र हैं, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष। वे हमारे गणित के हैं, शिक्षक का पर्यायवाची अध्यापक। शर्मा जी का ब्लैंक जा रहा है, बेटा का पर्यायवाची पुत्र। नीचे आपको इसमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, गाय का गौ और गौ। जंगल वन, कानन। जल पानी, नीर। माता का माँ, जननी। पृथ्वी का धरती और भूमि। मित्र का सखा और दोस्त। घर का सदन और भवन। नीचे आपको षटकोण में रंगीन खाने में जो शब्द लिखे हैं उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के खाने को पीले रंग से रंगिए, यानी आपको जो कलर्ड में जो शब्द दिए हुए हैं उसका पर्यायवाची ढूंढकर, अब कलर मत करिए, सिर्फ सर्कल कर दीजिएगा। प्रभु, प्रभु का पर्यायवाची क्या आएगा इसमें? देखिए आप जो आपको ऑप्शन दिए हुए, रण का मतलब लड़ाई होता है, साथी का मतलब दोस्त होता है, भानु का मतलब सूर्य होता है, पिता का मालूम है जनक, और प्रभु का होगा भगवान। चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची देखिए, निशा मतलब रात, शिक्षक, गुरु, सुंदर, और तम यानी अंधेरा, तो शिक्षक का पर्यायवाची शशि। नेक्स्ट है आचार्य, आचार्य का पर्यायवाची क्या होगा? गुरु। भाई, मित्र, पिता और चाचा नहीं हो सकते। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े, इसका जो मैं आपको काम भेजूंगी वो आप अपनी कॉपी में करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू।